सो यार, ये वाली वीडियो होने वाली है स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे मेरे से पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो, एक मॉन्टाज क्रिएटर होते हुए भी 64 GB में कैसे मॉन्टाजेस बना लेते हो। बिकॉज अब देखो यार, फोन है तो उसमें फोटोज़ भी होंगी, वीडियोज़ भी होंगी, तो सब कुछ कैसे मैनेज करता हो इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा। और आप आज की डेट पर भी अगर 64 GB लेना चाहते हो, मतलब बजट आपका उतना ही बन रहा है, तो आप इसके तरफ जा सकते हो या फिर नहीं, वो आपको एंड में पता लग जाएगा। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मॉन्टाज क्रिएशन की, तो अगर मैं एक गेम की बात करूँ तो लगभग 5 to 6 GB का एक गेम रिकॉर्ड होता है, और मॉन्टाज बनाने के लिए 7 to 10 वीडियोस ऐसी चाहिए होंगी जिसमें अच्छी अच्छी क्लिप्स हो, और लगभग वो 5 या 4 GB की होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर गेम में आपको क्लिप मिल जाए। मेरे काफ़ी ज़्यादा मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें 20+ किल होते हैं। परसों एक भाई, एक गेम प्ले डिलीट हो गया, मैं वीडियो डालने वाला था, बट उस पर वो मॉन्टाज में उसको डालना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैं सोचा था गेम प्ले बना। बिकॉज देखो यार, 20 किल्स अगर मैंने करे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा किल्स ऐसे थे जिसमें सिंगल सिंगल मैंने बंदे मारे थे। अब भाई 1v1 तो आपको मैं दिखाऊंगा नहीं मॉन्टाजेस में, तो इसलिए वो स्टोरेज तो लेता है बट वो मॉन्टाजेस में ऐड नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा वो स्पेस ले लेती है फ़ोन में। तो अब मैं करता क्या हूँ, देखो यार, एक बार अगर मैं गेम खेलता हूँ ना, अगर मेरे को ठीक ठाक क्लिप मिल गई, मतलब लगभग 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट का अगर मॉन्टाज बन रहा है, तो मैं वो सारे क्लिप्स को काइनमास्टर में कट कर लेता हूँ, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ फुल सेटिंग्स में और विदाउट म्यूज़िक, मतलब रॉ गेम प्ले में रॉ जो मॉन्टाज है उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और जो पीछे की क्लिप्स है रॉ मॉन्टाज से पहले वो सब डिलीट कर देता हूँ। या अगर मेरे को कोई गेम प्ले बनाना होता है तो उसको छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो आगे की क्लिप्स होंगी उनको कैसे ऐड करूँगा, ये जो अपना रॉ मॉन्टाज बना है ना उसको पहले डाल दूंगा, एंड उसके बाद जो आगे आपकी क्लिप्स निकली है उस पर आप म्यूज़िक लगा सकते हो, एंड उसके बाद सिंपली उसको एक्सपोर्ट करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, एंड उसके बाद सब कुछ डिलीट कर सकते हो। अब जो बंदों ने ये जो अपना फ़ोन है वो सिर्फ गेम के लिए रखा था, तो उनके लिए तो यही सॉल्यूशन था कि आप ऐसा कर सकते हो। अब बात करता हूँ जिनका मतलब फ़ोन ऐसा है कि आप फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ है, या फिर ऐसा होता है भाई आईफोन है तो देखो सारे बंदे बोलते हैं कि मेरी फ़ोटो ले, एंड उसके बाद आपको भेजने को बोलते हैं, तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते अगर आपको मॉन्टाज बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे साथ भी होता है कई बार, तो मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सब मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, एंड अगर किसी को फ़ोटो देनी है तो गूगल ड्राइव में अलग से फोल्डर बना के उसके नाम का उसकी फ़ोटोज़ में डाल के उसको लिंक दे देता हूँ, वो सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेगा विदाउट क्वालिटी, उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। आईफोन्स में एक अदर स्टोरेज करके होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेती है कई बार, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करो, जितना उसको कम होना होगा वो उतना हो जाएगा। अगर आपको पूरा ही कम करना है, मतलब ज़ीरो करना है उसको, तो आपको फ़ोन एक बार रीसेट करना पड़ेगा। अगर आप रीसेट नहीं भी करना चाह रहे हो ना, तो वो अदर स्टोरेज ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कम ज़्यादा होती है, और काफ़ी सारे ऐप्स में क्या होता है ना, वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा होता है वो सब इंक्रीज़ करती रहती है, मतलब बिना बात के, जैसे कि यूट्यूब, उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, मैं तो वीडियो डाउनलोड भी नहीं करता हूँ फिर भी वो 4-5 GB का हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अब एंड्रॉइड में तो देखो यार क्लियर डाटा कर देते हैं तो उससे स्टोरेज क्लियर हो जाती है, बट आईफोन्स में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप एक बार ऐप को डिलीट करो उसके बाद डाउनलोड करो, सिंपल आपका जो है ये भी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब एक टिप मैं आपको गेम के लिए दे देता हूँ, अगर आप एक मॉन्टाज क्रिएटर हो तो आप कैसे कम स्पेस पे अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको बार बार रिकॉर्डिंग ऑफ और ऑन करनी है, मतलब जैसे आप मर जाते हो, रिकॉल होते हो या फिर कुछ भी, तो आपको रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है, ऑन करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लिप नहीं मिली है, तो आप बीच गेम में रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे और वहीं से ऊपर से जो नोटिफिकेशन आता है कि रिकॉर्डिंग सेव हो गई है, वहीं से उसको डिलीट कर दोगे और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दोगे, तो इससे आपकी जो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा खाली रहेगी। तो बस यार, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, जितनी भी चीज़ें स्टोरेज से रिलेटेड है वो मैंने सब आपको बता दी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, तो मिलते हैं यार, बाय।